चार बजे देखकर थोड़ा छूट गया, उसने सोचा नहीं मैं अपनी जेब में लड़ा लू, बात करने के लिए कल आऊंगा तो मुझे मिलना जाता। अरे तो अलमारी में देख लो ना। तो वहां देख लिया मैंने, समझ में आ गया गया तो है। तू ऊपर जा रही अकेली या मैं जाऊं तेरे साथ? कैसी बातें कर रहे हो यार पापा, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है, पिंटू मम्मी कैसी गड़गड़ा के आपके पैरों में गिरी हुई थी, इतनी माफिया मांग ली है, कसमें खा रही थी, वो ऐसा नहीं कर सकती अपने से, प्लीज यार। बुरा करेगी तो कौन करेगा, बटुए के साथ पंख लग गए, उसने सोचा चलो पंख से एकदम उड़ के कुतुब मीनार की हवा खाया हूँ, बात कर रही है बेकार की। आया कमरे में, आया पापा मैं मान ही नहीं सकती कि पिंटू भाभी ऐसा कुछ फिर से कर सकती है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली ना मैं देखने जाती हूँ, और गलती से भी वो बटुआ ऊपर नहीं मिला ना तो पिंटू भाभी के साथ साथ मेरा दिल भी टूटेगा, बता दे रही हूँ पहले से। कैसी बात है, मैं कोई सीधा सीधा इल्जाम थोड़ा लगा रही हूँ, तसल्ली करो, चलो आप चलो। तू भी ना। प्रणाम दीदी। प्रणाम सेठ जी, वो जो आपने लिस्ट दी थी वो सारा सामान लिया है, पराठे। जीजा जी वो पापा का बटुआ भूल गया है तो